नोकिया का ये एक स्मार्टफोन हर किसी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर के लिए सर का दर्द साबित हो सकता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नोकिया X7 की। ये जो फोन है चाइना के अंदर में लॉन्च हो चुका है और आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या खास है इस फोन के साथ में, या फिर ऐसा क्या खास नोकिया ने इस फोन के साथ में दिया है वो भी इस प्राइस सेगमेंट में, जो कि ये फोन अभी तक का किलर फोन कहला सकता है इस प्राइस का। तो राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फोन है चाइना में लॉन्च हुआ है नोकिया X7 के नाम से और ग्लोबली या फिर इंडिया में ये फोन लॉन्च होगा नोकिया 7.1 प्लस के नाम से। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि इस फोन में नोकिया की तरफ से आखिर आपको ऐसी क्या चीज दी है या फिर क्या स्पेसिफिकेशन दिए हैं जो कि इस फोन को इस प्राइस सेगमेंट में किलर फोन यहाँ पे बना सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस फोन के लुक के, डिजाइन की और बिल्ड क्वालिटी की। लुक और डिजाइन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो काफी हद तक आपको ये फोन नोकिया 6.1 प्लस की तरह ही देखने को मिलेगा, यानी कि बैक साइड से आपको ग्लास पैनल देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में डिस्प्ले में आपको नोक देखने को मिल जाएगी। अब अगर यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 6000 सीरीज का एल्युमिनियम देखने को मिल जाएगा इस फोन की बॉडी में। बैक साइड में ग्लास पैनल है तो डिजाइन वगैरह आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिलता है और यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी यहाँ पे नोकिया के हर फोन की तरह आपको जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फ्रंट की बात करते हैं जहाँ पे आपको मिलती है 6.18 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि नोक के साथ में आती है, साथ ही यहाँ पे डिस्प्ले जो है 2.5D कर्व ग्लास के साथ में आएगी। एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं तो 18:7:9 का एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बॉटम में आपको यहाँ पर नोकिया का लोगो या फिर नोकिया की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब ये जो डिस्प्ले आपको मिलती है ये मिलती है प्योर डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पे आप रियल टाइम पे आप यहाँ पे HDR वीडियो या फिर HDR वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो आपको देखने को मिलता है 1500:1 का, यानी कि कलर भी आपको यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे जो स्क्रीन टू बॉडी रेटियो है वो आपको देखने को मिलता है 86.5% का। और यहाँ पे बात करता हूँ गोरिल्ला ग्लास की तो वो भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन कौन सा गोरिल्ला ग्लास है ये कंपनी ने अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं करा है। फोन के अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे आता है 10 नैनोमीटर फिनफैट टेक्नोलॉजी के साथ में। साथ ही यहाँ पे आपको एड्रेनो का 616 GPU देखने को मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर इस प्राइस सेगमेंट में आपको अभी तक के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। हाँ, यहाँ पे हम पोको और ऑनर प्ले को हटा देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये प्रोसेसर है या फिर ये जो फोन है आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है इस प्राइस सेगमेंट में। साथ ही यहाँ पे बात करता हूँ इस फोन के रैम वेरिएंट की तो 3 रैम वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे 4GB 64GB, 6GB 64GB और 6GB 128GB। यहाँ पे जो आपको रैम मिलती है वो मिलती है LPDDR4X और जो इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है वो मिलती है eMMC 5.1 वाली। तो परफॉर्मेंस हिसाब से ये फोन एक बेस्ट फोन होने वाला है इस प्राइस सेगमेंट में। और साथ यहाँ पे बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 8.1 देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक एंड्रॉयड होगा और आने वाले टाइम पे ये फिर कहूँगी बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 9 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे HMD ग्लोबल ने कहा है। अभी यहाँ पे आपको जो सिम स्लॉट मिलती है वो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलती है, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे ये है यहाँ पे आपको डुअल वोल्टेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही ये फोन जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और अच्छी बात यहाँ पे एक और ये है कि यहाँ पे आपको USB Type-C का पोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 710 मिलता है, स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, तो एक दिन की बैटरी लाइफ इस फोन के साथ में आराम से आप यहाँ पे निकाल लोगे। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इस फोन के कैमरे की तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे 12+13 MP के, और ये जो कैमरा है ये यहाँ पे आते हैं कार्ले जीस लेंस के साथ में। अब यहाँ पे आपको जो 12 MP का कैमरा है ये यहाँ पे आता है सोनी के IMX363 सेंसर के साथ में, और यहाँ पे जो आपको एपर्चर देखने को मिलता है वो मिलता है F1.8 का, और यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो आपको मिलता है 1.4 micron का। साथ ही आपको जो 13 MP का कैमरा है ये यहाँ पे आता है F2.2 एपर्चर के साथ में। अब यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है या फिर ये लगी इस फोन में कि आपको यहाँ पे OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का, वो भी इस प्राइस सेगमेंट में। अभी तक किसी भी फोन में आपको OIS देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको OIS देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको 20 MP की सेल्फी देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे F2.0 एपर्चर के साथ में आएगी। और अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरे की तो इस फोन में आपको काफी सारे AI वाले फीचर देखने को मिलेंगे, यानी कि इस फोन का कैमरा भी यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला है जिस तरह के नोकिया के कैमरा होते हैं। अब इस फोन की प्राइसिंग की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 3.5 mm हेडफोन जैक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात कर
करते हैं तो अभी ये फोन चाइना में ही लॉन्च हुआ है। तो चाइना के प्राइस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में तो वो यहाँ पर निकल के आती है लगभग 18,000 रुपए इसका जो बेस वेरियंट है। जी हाँ, 18,000 में ये फोन यहाँ पर लॉन्च हुआ है चाइना के अंदर में। जो दूसरा वेरियंट है वो यहाँ पर लॉन्च हुआ है आपका 21,500 के आसपास में, और जो तीसरा वेरियंट है 6GB 128GB उसके प्राइस यहाँ पे 26,500 के आसपास है। अब इस प्राइस के अंदर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं तो क्यों नहीं ये फोन यहाँ पे एक किलर फोन कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन प्राइस की तो इंडिया में ये फोन जो है 20,000 से ऊपर की प्राइस में ही लॉन्च होगा, यानी कि 20 या फिर 22,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको इस फोन का जो है बेस वेरियंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन इस प्राइस में भी अगर ये फोन लॉन्च होता है तो फिर भी ये फोन यहाँ पे बेकार फोन नहीं है, इस प्राइस के लिए भी ये फोन जो है बिल्कुल जस्टिफाई यहाँ पे करता है। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या ये फोन जो है एक किलर फोन है या फिर नहीं। मेरी तरफ से तो हाँ, नोकिया ने यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे काम करा है, बस फटाफट से इस फोन को जो है इंडिया में एक अच्छी प्राइस में लॉन्च करते। हालांकि अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये फोन इंडिया में कब तक आएगा, लेकिन यहाँ पे उम्मीद है कि भैया 1 से 2 महीने के अंदर में ये फोन जल्दी से ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा या फिर हो सकता है कि उससे भी जल्दी। तो देख लेंगे जब भी ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा प्राइस इसकी जो है 20,000 के आसपास ही यहाँ पे होने वाली है। तो आप मुझे बताओ कि आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में और क्या आप लोग अभी इस फोन के लिए वेट करोगे या फिर नहीं, जरूर से बताना मुझे कमेंट में। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना मत भूलना, साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।